तो दोस्तों मार्केट में सबसे पहले आया है वुमनाइजर मुनावर, उसके बाद झटैक से भाई मुनावर के फैंस ने मार दिया एक और रिप्लाई। उनको नहीं पता था कि भाई साहब कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, लेकिन रिप्लाई तैयार था जो कि था ड्रग एडिक्टेड एल्विश। और भाई साहब फिर एल्विश के जो फॉलोवर्स थे वो तैयार था कि आ जाओ भाई आ जाओ देख लेंगे तेरे को। और उनके बाद एक नई चीज आई मार्केट में जो कि था मुनावर का बाप एल्विश। तो ये चीजें ट्रेंडिंग हो रही हैं और इन सब का मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्यों और किस लिए। जो इस वक्त है एल्विश यादव वो भाई साहब घर के बाहर है, मुनावर जो है वो घर के अंदर है। और पिछली बार ऐसा लग रहा था लोगों को कि भाई मुनावर ने नेगेटिव मार्केटिंग कराई थी जब एल्विश अंदर थे, और इस बार एल्विश करा रहे हैं जबकि मुनावर अंदर थे। मेरे हिसाब से दोनों ही चीजें गलत हैं, लेकिन भाई अब कोई ना कोई तो पक्का करा रहा है। वो ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी कंटेस्टेंट है उनमें से किसी का दोस्त परिजन करा सकता है, लेकिन भाई साहब मुनावर की ना पखियां खोल दी गई हैं। ऐसे ऐसे ट्रेंड्स लेकर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज आ रही हैं, और अब समझ में आ गया कि भाई साहब मुनावर के फैंस को कि भाई एल्विश की टीम ने करा होगा। उन्होंने भाई साहब उल्टा लपेट लिया एल्विश की टीम को, धे मीम धे ट्रेंडिंग धे मीम। और भाई तुम्हें तो पता ही हरियाणा वाले यूट्यूबर्स भाई एक नहीं आता, आते सारे एक साथ हैं, एक पर हाथ छूटते के साथ। सब ने भाई साहब अपने अपने फॉलोअर्स को बोल दिया कि पेल दो भाई साहब, तेल लगाने रखा मुनावर को, लेकिन इतना पहले जा रहे हैं कि भाई साहब ना आ कर पा रहा ना जा कर पा रहा। भाई आप मुझे कमेंट करके बताओ आपकी क्या राय है और ये क्यों हो रहा है सब। मेरे हिसाब से तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग।